नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार साहब, नमस्कार। आपका नाम है बालू भाई? हाँ, वैसे तो मेरे ख्याल से बालू भाई के नाम से ज्यादा जानते हैं आप। हाँ, बालू भाई नाम। बालू भाई नाम ही है आपका? हाँ, बालू भाई। अच्छा, तो बालू भाई जी, मैं बता दूं आपको कि आपका घोड़ा बहुत फेमस है वैसे तो। हाँ सर, काफी जो पुराने ब्रीडर है और जो पुराने लोग है वो तो इस घोड़े को भली भांति जानते हैं। हाँ सर, बस बात यही है कि ये घोड़ा है जो प्रमोशन का मोहताज है कुल मिला के। हाँ सर, और कुछ लोग भी नहीं चाहते होंगे कि ये घोड़ा प्रमोट हो। हाँ सर, सही बात। तो बालू भाई, अपने ये गांव का जो नाम है वो क्या है? नार मंगरा है सर। नार मंगरा, और डबोक के पास में पड़ता है? हाँ, डबोक। डबोक उदयपुर है ना? एयरपोर्ट के पास में। एयरपोर्ट के पास में। तो बालू भाई, कितने घोड़े घोड़ी है अपने पास में? सर है दो चार। दो चार रखते हो? हाँ, शुरू से रखते हो या कब से स्टार्ट है आपका? सर रखता हूँ मैं 20 साल 25 साल से। अच्छा, पर मेरे ब्याह शादी का काम है सर। अच्छा, ब्याह शादी का काम है, तो इस घोड़े को भी आपने ब्याह शादी में चलाया क्या? हाँ सर, ब्याह शादी के लिए लाया था मैं। अच्छा अच्छा, तो अभी भी चला रहे हो उसको? हाँ, अभी भी चल रहा सर। अभी भी ब्याह शादी में चल रहा है? अच्छा, ठीक है, चलो। बालू भाई जी, क्या नाम है इसका घोड़े का? बादल है सर। बादल, ठीक है। और कितनी उम्र का होगा ये? 20 साल का हो गया सर। 20 साल का, पर लगता नहीं है घोड़ा का 20 साल का है ये। हाँ सर, अभी ऐसे लगता है जैसे ज्यादा से ज्यादा 4 दांत मान लो 4 साल का मान लो। सर ऐसा है, बाप जी के पास था। बाप जी कहाँ पे? तितड़ी दरबार था। अच्छा, दरबार में वहाँ था ये? हाँ, उदयपुर था ये। अच्छा, उनके क्षेत्र घोड़े घोड़ी था। अच्छा, उनके क्षेत्र घोड़े घोड़ी थे वहाँ पे। हाँ, दरबार था, मतलब एक खानदान जगह, मतलब घराना था, मतलब एक। हाँ, घराना था ना, दरबार था वो तो। बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो वहाँ पे था ये घोड़ा। हाँ, छित्तर घोड़े घोड़ी था सर। अच्छा, तो फिर बालू भाई जी, आपके पास ये 20, जैसे 20 साल की इसकी उम्र बता रहे हो आप, तो 20 साल से आपके पास ये? नहीं सर, उसके पास बच्चा था छोटा। अच्छा, एक उसके उस घोड़े की जो इनके पास ब्रीड था, घोड़ा सुल्तान घोड़ा था। हाँ, सुल्तान नाम का बहुत फेमस घोड़ा है। हाँ, वो घोड़ा था, एक जैन साहब के पास बच्ची खड़ी है उसकी। अच्छा, उसी की? सुल्तान की। हाँ, सुल्तान की एक बच्ची खड़ी है। हाँ हाँ, एक वो जैन साहब ले गया, एक मैं ले आया था बच्चा। अच्छा, वहीं से? वहाँ से। तो वो यही बच्चा है? हाँ, यही बच्चा है, मैंने इसको लगन में ट्रेन किया था। अच्छा, फिर मैं लगन पे लगा था, मैं घोड़ी पे चालू किया सर, ब्रीडिंग में चालू कर लिया। हाँ ठीक है, लोग जाने क्या है यार, उसके पास बच्चे बन जा रहा है क्या है, समाज ज्ञान ऐसे नहीं ऐसे नहीं, फिर इसने रिजल्ट देवा लग गया घोड़ा। अच्छा, मतलब आपके बारे में ये सोचते थे कि भाई बन जा रहा है। हाँ, और कोई मतलब नहीं है उसका। हाँ, यूं। अच्छा, फिर तो ये फिर इस घोड़े ने रिजल्ट दिया सर, 65 का 66 तक इसका बच्चा है सर। अच्छा, मतलब 65 66 की हाइट के इसके बच्चे आए। हाँ, रिजल्ट आया ने अपने पास। अच्छा अच्छा, अपने गांव के पास में खड़ा है सर। अच्छा अच्छा, तो फिर इसको ब्रीडिंग का दिया, तो अपने क्या 4000 से स्टार्ट किया था इसको ब्रीडिंग पीस। हाँ, इसके 4000 रुपये ना? हाँ, 4000 से स्टार्ट किया था। कब की बात है बोलो भाई ये सर? अभी क्या 4000 तो क्या, अभी देख लो, अब 2-3 साल हुए हैं मैं। अच्छा, 2-3 साल पहले मतलब आप 4000 ही लेते थे? 4000 ही लेते थे सर। ठीक है, 11000 अब किया है सर। अभी भी 11000 ही है ना? हाँ, 11000। मतलब बालू भाई, मैं बता दूं आपको, अगर ऐसा घोड़ा जैसे आप बता रहे हो सुल्तान लाइन का, हाँ, ऐसा घोड़ा अगर किसी बड़े स्टड फार्म पे या बड़ी दुकान पे खड़ा होता ना, तो आज 51,000-1,00,000 रुपए पीस होती। हाँ, वो दरबार सर अंदर ही नहीं जान देता इसके लिए। अच्छा अच्छा, भारी आदमी था वो 20-25 तो कारे थी उसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो वहां से ये बच्चा कैसे आया आपके हाथ में, मतलब ये? मैं सर क्या उसके साथ में घूमता था गाड़ी पे। अच्छा अच्छा, जाता था कहीं मेले वेले में ऐसे। मैंने क्या साहब दरबार को मैंने बोला सर मेरे को 2 बच्ची दो, एक बच्ची और दी थी सर मेरे को 35,000 में। अच्छा, वहीं से? सुल्तान की बेटी थी वो। ठीक है, तो मैंने क्या 1,25,000 के अंदर मैंने किसी दूसरे को बेच दी। अच्छा, अभी वो क्या जोधपुर के पास में खड़ी है एक राजपूत के पास में, 80-80 लाख का बच्चा दिया है उस घोड़ी ने। अच्छा, उसी घोड़ी ने? हाँ, जो आपके पास बच्चा भी दिया रखा है उस घोड़ी, जो आपके पास वो बच्ची थी उसने? मैंने दी है ये 1-25 की दी थी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उस बच्ची के जो बच्चे हैं 35-35 लाख के बिक रहे हैं? हाँ, उसका 35-35 लाख का बच्चा बिक रहे हैं। काले कांटा उड़ाया था उस आदमी ने मेले में। अच्छा, तो उसकी हाइट थी 65 इंच। 65 हाइट की? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब 4000 रुपये में आपने ब्रीडिंग इसकी स्टार्ट की थी, और लगभग 3-4 साल हो गए इसके ब्रीडिंग करते हुए? हाँ, ये तो ब्रीडिंग तो हो गया ना 3-4 साल। अच्छा, ये तो हो गया इसको 10 साल के लगभग। अच्छा,
पर मैं 4,350 ही लेता हूँ यूँ। अच्छा 4,350 रुपये लेते हो आप? हाँ 11,000 अब किया है मैंने। अब 11,000 किए हैं? हाँ, तो ही लोग ये क्या इसकी जात का कोई पहचान नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल सही है। ऐसे ऐसा इसका हीरा बंदा हाँ। जो सुनो पैसे नहीं, रिजल्ट तो साहब इसके का कोई बच्चा नहीं है इसका। इसके साहब रिजल्ट तो मैंने देखे हैं अभी, और मोबाइल में फोटोग्राफ देखे हैं इसके रिजल्ट की, काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इसके। हाँ। और बाकी दूसरी बात बता दूं, एक प्योरिटी वाला जो मारवाड़ी घोड़ा होता है हाँ। वो क्वालिटी वाला घोड़ा है आपके पास में? तो लोग बाकी ऐसे जानते हैं सर के अभी बंजारा के वहाँ है, गरीब आदमी के वहाँ खड़ा है, ऐसा है क्या खोला देखो, देखो। इसका बच्चा देखे जब आईसी शॉर्ट हो जाती है लोग। बिल्कुल अच्छा आईसी शॉर्ट हो जाती है मतलब। हाँ, इसका बच्चा देखते हैं। अच्छा अच्छा, इतना खूबसूरत लाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बालू भाई और तो कुछ नहीं जानता, आप चाहे गरीब हो चाहे जो भी हो, पर आपने जो इस घोड़े की सेवा जो की है ना, वो बहुत अच्छी सेवा की हुई है इसकी, ये मान के चलो। सर आप क्या था, खिलाना तो पड़े ना। बिल्कुल सही बात है। ये जो इसकी बॉडी का मेंटेन आपने रखा हुआ है ना, वो एकदम परफेक्ट है मतलब। हाँ, बॉडी स्ट्रक्चर से इससे लग रहा है जो। अच्छा क्या हाइट होगी इसकी बालू भाई? 61.5 का है सर। 61.5, 61.5 का घोड़ा है, और फिर भी इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो अल्टीमेट आ रहे हैं, और 64-64 की हाइट के आ रहे हैं, और लोग फिर झूठे हाइट के पीछे भागते हैं साहब, हाइट वाला घोड़ा हाइट वाला घोड़ा। एक अभी बिछड़ी गांव में खड़ा है इसका बच्चा। अच्छा 65 इंच का खड़ा है। अच्छा 65 इंच का है। हाँ ठीक है। कभी 11,000 रुपये फीस ले रहे हो आप इसकी? हाँ सर। कभी आती है घोड़िया, नोकल आती है या बाहर से भी आ रही है? बाहर की आती है घोड़ी। अच्छा अभी यहाँ मंगलवार चित्तौड़ इधर की आ रही है, छेटी दूर की नहीं घोड़ी आ रही है सर, जानते नहीं लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अब जान जाएंगे। और घोड़ी पाकी है, कोई रिजल्ट नहीं मानती है घोड़ी तो, ये घोड़ा मना देता है सर। अच्छा अच्छा, कौन सी भी भारी 65 की हाइट की घोड़ी की होगा तो गारंटी लूंगा मैं। अच्छा मतलब मान जाएगी इस घोड़े से? हाँ। अच्छा ये खूबी भी है। अभी दो घोड़ी आई थी सर बाना बरोडिये से। अच्छा वो रिजल्ट घोड़ी थी सर, और एक मैंने पंजाब से घोड़ी ली थी मोहन व्यापारी से सर, वो लिली संजाब है, उसका बच्चा ये होया मेरे पास। अच्छा आपके पास ही है ना ये बच्चा लिली संजाब का है। को? पंजाब से आई है घोड़ी। अठे मैं रोक माई नहीं नहीं इधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अठी साइड में रोक, बड़ी छेटी से रोक। बच्चा ये भी है ना उसी हाँ, को ये बच्चा इसका ही सर, मतलब इसका इसका बेटा हो गया ये। हाँ इसका बेटा ही है ना। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सही। इसका क्या नाम रख रखा बच्चे का? इसका नाम चेतक रख रखा है। चेतक। और कितनी उम्र का होगा अभी ये? ये सर हो गया 19 महीने के लगभग। 19 महीने के लगभग। अच्छा अच्छा। और इसकी जो माँ है वो अभी है आपके पास में? है ना, इसकी 64+ है संजाब। अच्छा 64+ संजाब है। हाँ संजाब पे ये घोड़ा डाला तो आपने ये ब्लैक ये काला ही लाया पूरा फादर पे आया मतलब है ना। हाँ वाइट घोड़ी होते तो भी काला काटता है। अच्छा वाइट घोड़ी पे भी? हाँ पूरी वाइट पे भी काला। अच्छा पहले डाला किसी वाइट घोड़ियों पे? ना इसके पास वीडियो है ना देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वाइट घोड़ियों पे भी ये ब्लैक ही देता है? हाँ पच कल्याण लाता है जोरदार। चलो बढ़िया, फिर तो आपका घोड़ा मैं तो कहूंगा सर्वगुण संपन्न है आपके डबोक में इधर। और सर क्या है लोग बाग जानते नहीं है अच्छी अच्छी घोड़ी आती है सर। हाँ बिल्कुल सही है, पर लोग जाने क्या बच्चा नहीं। अबे लोगों को खबर पड़ी कि यार ये घोड़ा बहुत भारी है जात। देखो मैं आपको बता दूं, एक घोड़ा जैसे आज आपका है बालू भाई के नाम से फेमस घोड़ा है, ठीक है ना, एक घोड़ा और है आपके इसी एरिया में सीताराम जी वाला घोड़ा। हाँ है, उसकी जो रिजल्ट है ना वो अल्टीमेट रिजल्ट है, और आज मार्केट में अच्छे बच्चे नाम कर रहे हैं उसके भी। हाँ अच्छा चल रहा है। देखो अच्छे के लिए अच्छे ही कहेंगे अपन, तो बुरा भी कहेंगे किसी के लिए। अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है घोड़ा। तो साहब 61+ हाइट हो गई इसकी? हाँ हाँ पक्की है 61। हाँ। और ब्रीडिंग फीस इसकी 11,000 रुपये ले रहे हो आप? हाँ सर। तो बालू भाई इसको आगे क्या है आपका विचार, जैसे 20 साल तो हो गए आपको सेवा करते हुए इसकी? सर मेरा क्या है, ब्याह शादी का काम है, ब्याह शादी के लिए लोग है ना इसको पसंद करते। अच्छा ओस करके बुलाते हैं शादी में। तो ब्याह शादी में क्या लेते हो आप चार्ज वार्ज? सर ब्याह की शादी में 11,000-15,000 यूँ देते हैं लोग। अच्छा 11,000-15,000। तो ब्याह मतलब नाटक वाटक नहीं करता क्या घोड़ा ब्याह में जाता? नहीं में? नहीं कुछ नहीं करे, घोड़ी के बरोबर जोड़े चोरन लगाता है। अच्छा अच्छा इतना सीधा है उससे बाद घोड़ी पे इधर खोल के आप शादी में लगाओ। अच्छा, के पास में। अच्छा अच्छा इतना सीधा है।
मतलब सीधा सिंपल घोड़ा है। हाँ। चलो ठीक है बालू भाई जी, बहुत बढ़िया घोड़ा है आपका और अच्छा नाम करेगा आपका। मैंने सर क्या जिंदगी में इनका वीडियो मैंने नहीं बनाया। देखो आजकल नहीं बनवाया वीडियो, लेकिन आजकल क्या है लोग बागों को पता तभी पड़ता है जब वीडियो से या है ना। तभी लोगों को पता पड़ता है वो कहीं नाम होना, चक्कर वही है बस। खेल के वीडियो बनाया कहीं नाम इसका एक रिजल्ट इनके पास भी खड़ा है ये बता रहे थे मेरे को। हाँ जी हाँ इनका है ना, इनके पास खड़ा है। अच्छा ये घोड़ा मैं 10 साल से देख रहा हूँ आप है ना। हाँ और मुझे अच्छा लगा तो मेरे दिमाग में था कि इसकी एक बच्ची मुझे लेनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी पिछले दिन इनके घर पे ब्रीड हुई थी 2-3 महीने पहले, तो वो मैंने परचेज की। मतलब आपने यहीं से परचेज कर ली। हाँ ठीक है। कुल मिला के देखो घोड़े में कोई कमी नहीं है इसमें, एक प्योरिटी वाला और दूसरी बात खानदानी घोड़ा है। खानदानी घोड़ा है, सुल्तान लाइन आज बहुत फेमस लाइन है और उसी का बता रहे हो आप इसको। हाँ उसी का, इसकी साबित टिकट मैंने है ना सर्टिफिकेट। हाँ वो बन के आ रही है वो। अच्छा अच्छा अभी आया था वो, डीएन करा दिया घोड़े। अच्छा डीएनए करवाया। हाँ अच्छा डीएनए हो गया इसका ना। चलो बढ़िया बहुत बढ़िया, जब तो डीएनए हो गया तब तो फिर तो आ जाएगा इसका रिजल्ट आने वाला। बच्चे बच्ची का सही रहेगा सर, अब इसके फादर का तो बिल्कुल बिल्कुल, इसके जो बच्चा हाँ इसका फादर का तो अनोन ही आएगा। इसकी जनरेशन इसके नाम से चलती बिल्कुल बिल्कुल, इसके जो बच्चे है वो एक लाइन बन जाएगी यहीं से, आपके यहीं से पुख्ता सबूत मिल जाएगा डीएनए से। सर इसमें क्या इसके रिजल्ट में खासियत है, ओवरलैपिंग नहीं करता है। कान ओवरलैपिंग नहीं है। हाँ अच्छा, जो बच्ची ली उसकी टोए से टोए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपने जो वो बच्ची ली कुमेद में बताई ना मैंने। हाँ, आपने ब्लैक हो जाएगी सर। उसकी अच्छा ब्लैक हो जाएगी। हाँ, इसी की तरह। हाँ, हाँ वो काली हो जाएगी। बाकी घोड़े का रंग इसका एकदम काला है जी। एकदम काला है और तीन पैर वाइट है या पचकल्याण है ये। नहीं तीन के पास सफेद है सर। तीन पैर वाइट है। लाता है वो दो पग सफेद भी लाता है। अच्छा रिजल्ट में। हाँ रिजल्ट में पचकल्याण भी बहुत काटते। अच्छा पचकल्याण भी आ जाता है और दो पैर वाइट भी आ जाता है। व्हाइट पे व्हाइट घोड़ी पे नाकेंगे, संजा पे नाकेंगे तो ही काला देगी। अच्छा अच्छा अच्छा। कुल मिला के मार्किंग वाले बच्चे दे रहा है ये। हाँ बच्चा अच्छा ला रहा है सर। चलो ठीक है बालू भाई जी, आपके एक बार मोबाइल नंबर बता दो मेरे को। बोल जाइए हमारा नंबर बोल रहे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नाम सर मेरा महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह जी आप यहीं के हो? मैं नहीं सर बेरंगा हूँ। बेरंगा। इस घोड़े के बारे में क्या कहना है आपका? सर मैं ये कहना चाहता हूँ करीबन इस घोड़े में 20 साल से मैं जानता हूँ। 20 साल से आप जानते हो उसको? जी सर। अच्छा अच्छा। इसकी ये जो बच्ची एक मेरे पास भी खड़ी है सर। इसी घोड़े की? जी सर। अच्छा जिसका नाम मुन्ना है। मुन्ना घोड़ी बच्ची का नाम। कितनी उम्र की है वो बच्ची? सर करीबन 4 साल की। 4 साल की? जी सर। मतलब घोड़ी हो गई पूरी? हाँ अभी सुबह है। क्या है सुबह है सर? सुबह है। कौन से घोड़े से है वो? वो पहले तो हुई थी सर महाबली से। अच्छा पहले एक बच्चा दिया था उसने? बहुबली। बहुबली पहले एक बच्चा दे चुकी है वो? दे चुकी सर। अच्छा अभी वापस कवर्ड है? अभी कवर्ड है। अभी वापस कौन से घोड़े से है? ये है प्रभात के बेटे से सर। प्रभात के बेटे से जी सर। और वो जो घोड़ी है आपके पास में कौन से कलर की है वो? यही है सर। अच्छा काली काली है मतलब? और इसी की है वो? इसी की। अच्छा तो एक ही है या और भी आपके पास? एक ही है। एक ही है। तो कुल मिला के ये घोड़ा आपको बहुत पसंद है मतलब? जी सर। बस यही है इसमें तो? ये बच्चा भी है सर। अच्छा बच्चा भी बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी साहब। रिजल्ट में तो देखो एक नंबर घोड़ा है ये। जी सर। और काफी फेमस है घोड़ा वैसे तो, जहाँ तक मुझे पता है बालू भाई के नाम से बहुत फेमस घोड़ा है ये। मैंने भी सुना था सर कि आप आ रहे हैं। हाँ तो मैं भी जो सुन के ना आपके हिसाब से यहाँ चला आया। चलो बढ़िया है। जो 2 मिनट बात ही हो। चलो बढ़िया बढ़िया, आप भी आज कैमरे में आ गए हमारे। सर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन। अरे बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत भी करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल फेमस हो सर हमारे गाँव भी बता रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल जरूर सर। हमारे केशल देलवाड़ा जरूर जरूर जिला राजसमंद है। जी सर ठीक है। चलो जी सर थैंक यू। ओके थैंक यू।